वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नम् पुरुम देहि शुभ कार्य सुम सर्वदा। We'll be right back.
इंस्पेक्टर। यस सर। ऑफिशियल फोटोग्राफर को बुलाओ और पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस भी। राइट सर। और सुनो सर, कुत्ता भी मंगाना। यस सर। सुबह 7 बजे मुझे किसने फोन किया था? मैंने। मिस्टर शाहनवाज खान, ये किशन शर्मा है, इस औरत के ससुर। नमस्कार जी। और आप कौन हैं? मिस्टर शाहनवाज खान, मैं राम नारायण तिवारी हूँ। हर कोई जानता है मुझे और शायद आप भी मुझे जानते होंगे। खैर, मैं यहाँ का पार्टी वर्कर हूँ। गृह मंत्री बहुत चाहते हैं मुझे। ओ, मैं समझा था आप शर्मा जी के वकील हैं। जी नहीं, मैं इनका बरसों पुराना दोस्त हूँ, इनके दुख सुख का साथी। तो फिर आप इस हादसे के बारे में बहुत कुछ जानते होंगे। बहुत कुछ तो नहीं, लेकिन इतना जरूर जानते हैं हम कि करुणा ने आत्महत्या की है। ये आप कैसे कह सकते हैं? अजी मान जाइए, जब हम कहते हैं। कमर से हाथ उतारिए और अदब से बात कीजिए, वरना जिंदगी भर आपके हाथ आपकी कमर तक पहुंचने के काबिल नहीं रहेंगे। आप तो छोटी छोटी बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मेरा मतलब था, इस हादसे के वक्त क्या आप यहाँ मौजूद थे? जी नहीं, मैं तो अपने घर पर था, शर्मा जी ने फोन पर बुलाया था। यहाँ कब पहुंचे? जी वक्त का ठीक अंदाजा तो नहीं, लेकिन आपके आने के थोड़ी देर पहले ही पहुंचा। कैसे पहुंचे? जी मैं अपनी गाड़ी से यहाँ पहुंचा। आपका ड्राइवर कहाँ है? जी मेरा तो कोई ड्राइवर नहीं, मैं तो खुद ही ड्राइव करता हूँ। सर मैंने आपको नाराज किया तो माफी चाहता हूँ, आप तो खाम-खाम मुझसे पूछताछ किए जा रहे हैं। आप शर्मा जी के चालाक दोस्त लगते हैं। हाँ तो शर्मा जी, अंदर चलें। मुझे आपसे इस केस के बारे में चंद बातें पूछना है। ठीक है, चलिए। हाँ तो बताइए, आपके घर में कौन कौन रहते हैं? मेरा लड़का अरुण रहता है, जो करुणा का पति है। और कितने बच्चे हैं आपके? जी अरुण ही मेरा इकलौता लड़का है। कहाँ है वो? शायद दिल्ली गया है। शायद का मतलब? जी वो दिल्ली ही गया है। कब? कल रात 7:30 बजे, करुणा की आत्महत्या से बहुत पहले। ये आप कैसे कह सकते हैं? जी मेरी नौकरानी ने बताया था। क्या अरुण इस हादसे के बारे में जानता है? जी मैंने उसे दिल्ली फोन करके बोल दिया था। कब? शायद मेरा मतलब है कल रात 11 बजे, बस 4 घंटे का रास्ता है, कभी भी पहुंचने वाला होगा। इस घर में और कौन रहते हैं? जी हमारी नौकरानी लक्ष्मी रहती है। और? बस और कोई नहीं। आप कहाँ थे जब करुणा ने आत्महत्या की थी? जी मैं अपने दफ्तर पर था। कल रात 9:45 बजे जब मैं अपने घर में दाखिल हुआ। लक्ष्मी, ए लक्ष्मी, ओहो क्या हो गया तुम लोगों को? चोर घर साफ करके चले भी जाए तब भी तुम लोगों को पता नहीं चलेगा। करुणा, 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 कहाँ मर गई सर? करुणा,
करुणा के हाथ में या उसके कमरे में कोई चिट्ठी थी? जी जी नहीं। आपने रात 10 बजे पुलिस को फोन क्यों नहीं किया? इसलिए कि ये देखकर मेरे तो पसीने छूट गए थे, मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आप इस केस को आत्महत्या क्यों समझते हैं? इसलिए कि मेरा मतलब है कि शायद शायद करुणा चहलकदमी के लिए छत पर गई हो और शायद उसका पैर फिसल गया हो और इस तरह इत्तेफाकन वो मौत का शिकार हो गई हो। हाँ, ऐसा ही होगा। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं सर। या किसी ने उसे धक्का दिया हो, ऐसा भी हो सकता है? नहीं सर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि घर में मेरी नौकरानी के अलावा और कोई नहीं था। और सर जब मैं घर में दाखिल हुआ तो घर के सारे दरवाजे अंदर से बंद थे। हाँ ठीक है, नौकरानी को बुलाओ। जी नौकरानी का बयान भी रिकॉर्ड करो। यस सर। सर ये लक्ष्मी है। अब आप बाहर जाइए। तुम्हारा नाम क्या है? क्या कहा? नाम क्या है? श्याम। श्याम तो हम घरे पर ही थी सरकार। सर लगता है बहरी है। नाम क्या है तुम्हारा? अरे सर चिल्लाते क्यों हो? क्या हम बहरी हैं? हम बहरी नहीं है, समझे? हमारा नाम लक्ष्मी देवी है सरकार। कब से काम कर रही हो? काम नाम तो हमारे बाप ने ही रखा है। कोई बच्चा खुद ही थोड़े ना अपना नाम रख लेता है। अरे लक्ष्मी काम कब से कर रही हो यहाँ? अरे तो कान काहे फाड़े दे रहे हो, तनिक धीरे नहीं बोल सकते? साहब हम सालन से काम कर रहे हैं। कोई 2-3 साल का मामला हो तो बताएं। जब हम आए थे तो अरुण बाबा इतने से थे, तब से काम कर रहे हैं हम। करुणा के बारे में बताओ। करुणा बहू तो देवी थी, बिल्कुल सीता जैसी। सबे चाहती थी और सब उन्हें चाहते थे। हम पर तो उनकी बहुत कृपा थी। मालकिन थी साहब, पर बिल्कुल घर जैसा व्यवहार। हर बात पर सलाह मशवरा लेती, बुला बुला करके कहती, लक्ष्मी देखो ये ठीक है, वो ठीक है। वो थी तो हमारी पूछ थी, बकत थी। अब कौन इस बैरी को घास डालिए? पर साहब हमारी का, जरा अरुण बाबा की सोचो, कैसा सदमा पड़ा उन पर, कैसे रहेंगे? हीरा जैसी देवी को भगवान ने छीन लिया हमसे। इंस्पेक्टर इसे वापस भेज दो, इसे काट लेंगे। चलो चलो जाओ। ओह गॉड। तुम लाश की फोटोज ले लो और तुम लाश को सुंघा कर कुत्ते को छोड़ दो, ताकि पता चले कि लाश छज्जे से गिरी है या कहीं और से लाकर डाली गई है। कुत्ते को छोड़ दो। लगता है करुणा अपने कमरे से छज्जे पर आ गई हो और यहां से गिर गई हो या गिरा दी गई हो। चलो वही हुआ। तुम मेरे पास चली आती। <laughs>
दीदी आत्महत्या नहीं कर सकती, ये जुल्म है, अन्याय है। पिताजी कहिए इनसे, वो लोग हत्यारे मेरी दीदी के। आप लोग कौन हैं? मैं करुणा का बदनसीब बाप हूं। ये मेरी छोटी लड़की है उषा, और वो श्याम सुंदर है, मेरा शागिर्द और हमदर्द। सर, सुना है ये लोग लाखनपुर से 5 किलोमीटर दूर रहते हैं। आपको इस वारदात के बारे में कुछ कहना है? इंस्पेक्टर साहब, अगर आप वादा करते हैं कि इंसाफ करेंगे तो बहुत कुछ कहूंगा, वरना जहां कई जुल्म बर्दाश्त किए मैंने, ये अन्याय भी सह लूंगा। मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूं। अगर आपको किसी पर शक है या कोई सबूत है तो मुझे बताइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। कल मैं दोबारा यहां लौटूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इन शब्दों पर से विश्वास उठ गया मेरा। बस एक एहसान कीजिए, मेरी बच्ची की लाश मुझे दे दीजिए। इस भली मानस का अंतिम संस्कार कर लूं तो इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। लाश तो हम पोस्टमार्टम के लिए ले जा रहे हैं, लेकिन पोस्टमार्टम के बाद लाश मैं आपके हवाले करूंगा। यकीन रखिए, मैं अपनी ड्यूटी खुदा को हाजिर नाजिर जानकर निभाऊंगा। इंस्पेक्टर, करुणा के कमरे को ताला लगाकर सील कर दो और लाश को एम्बुलेंस में रखकर अस्पताल चलो। और शर्मा जी, आप अरुण को किसी भी हालत में यहां बुलाइए, फौरन। लाश मोर्चरी में रखी हुई है, आप किसी वक्त भी ले जा सकते हैं। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट? ये रही रिपोर्ट। डॉक्टर, इस रिपोर्ट के मुताबिक ये आत्महत्या थी या हत्या? ये मैं कैसे बता सकती हूँ, हम तो सिर्फ मौत का कारण ही बता सकते हैं। क्या कारण था मौत का? रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। टूट गई थी या तोड़ी गई थी? मैंने कहा टूट गई थी, अगर तोड़ी जाती तो पीठ पर चोट आई होती, मगर ऐसा नहीं था। हो सकता है करुणा ऊंचाई से गिर गई हो। गिर गई हो या गिरा दी गई हो, ऐसा भी हो सकता है। खैर, आप मुझे ये बताइए कि मौत कितने बजे वाकई हुई होगी? कल रात 9 बजे हुई होगी। 9 बजे से पहले क्यों नहीं हो सकती? मेरा मतलब है 7 या 8 के दरमियान भी तो हो सकती है। नामुमकिन। क्यों? मेडिकल साइंस के मुताबिक इंसान की मौत के बाद हर घंटा लाश में तब्दीली होती है। इसी अंदाजे से हम कह सकते हैं कि ये मौत कल रात 9 बजे हुई होगी। वैसे रिपोर्ट आपके सामने है, पढ़ लीजिए। इसमें करुणा के कपड़े और जेवर हैं। आपकी छानबीन मुकम्मल होने के बाद उसके वारिस के हवाले कर दीजिएगा। इंस्पेक्टर। यस सर। लाश राम स्वरूप जी के हवाले कर दो और उनसे कहो कि क्रियाकर्म के बाद वो मुझे शर्मा जी के घर पर आके मिले। जी सर। थैंक यू डॉक्टर। सर, ये मेरा लड़का अरुण है। यही हथियारा मेरी बेटी का इंस्पेक्टर, इसी ने मेरी बच्ची का खून किया, इसे सजा दीजिए। अरे छोड़िए, ये क्या बदतमीजी है? दिल दुखता है इंस्पेक्टर, जिस पे गुजरती है वही जानता है। आप क्या सुनाना चाहते हैं? कुछ कहने की हिम्मत नहीं इंस्पेक्टर साहब। अल्लाह, इसमें सब कुछ लिखा है, पढ़ लीजिए और इंसाफ कीजिए। ये शख्स झूठा है और झगड़ालू भी, देख लिया आपने सर। ये शख्स हमेशा रोते रोते ही अपनी बात मनवा लेता है। इसके पास बहुत सोना और पैसा है, फिर भी ये मुझसे पैसा उड़ना चाहता है। शर्मा, तेरा और मेरा हिसाब भगवान की अदालत में होगा। इस दुनिया की अदालत में मजलूमों से सबूत मांगे जाते हैं, उसकी अदालत में नहीं। याद रख, तेरे हाथ, तेरे पैर, तेरी जुबान तेरे ही खिलाफ गवाही देंगे। राम स्वरूप जी, आप शांत रहिए और घर जाइए, मैं आपकी शिकायत पढ़ लूंगा। आप खुदा तरस इंसान है, खुदा का वास्ता देकर आपसे विनती करता हूँ कि इन लोगों ने मेरी बेटी को मार डाला है, इन सजा दिलवाइए इंस्पेक्टर साहब, सजा दिलवाइए। अरुण, तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करना है। तुम दिल्ली क्यों गए थे? मैं बिजनेस के सिलसिले में आता जाता रहता हूँ।
शर्मा जी ने तुम्हें फोन कब किया था? कल रात 11 बजे, लेकिन मैं होटल में था नहीं। कल रात 3 बजे होटल में आने के बाद मुझे मैसेज मिला। कहाँ गए थे? एक दोस्त के यहाँ दावत थी। यहाँ कब आए? एक घंटा पहले। तुम्हारी पत्नी की मौत की खबर सुनकर तुमने तुरंत लौटना जरूरी क्यों नहीं समझा? मैं रात गए हाईवे पर ड्राइव नहीं करता। कल यहाँ से कब निकले थे? रात को 7:30 बजे। 9 बजे भी हो सकता है? नहीं। ठीक से याद करो। जी नहीं इंस्पेक्टर साहब, कल रात को मैं 7:30 बजे ही यहाँ से निकला था। हो सकता है तुम्हारी घड़ी रुक गई हो। मैं घड़ी नहीं बांधता। कब से? कई सालों से। तो फिर तुम यकीन से कैसे कह सकते हो कि रात 7:30 बजे यहाँ से रवाना हुए? मुझे हमेशा वक्त का अंदाजा रहता है सर। अच्छा जी, तो अब क्या वक्त होगा बता सकते हो? अब 4:25 या 4:30 बजे होंगे। तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारे ताल्लुकात कैसे थे? बहुत अच्छे, जैसे औरों के होते हैं। क्या आपस में किसी बात पर लड़ाई झगड़ा होता था? कभी कभी नोकझोंक होती थी, जैसे औरों की होती है। सुना तुम क्लबों में जाते हो और अयाशी भी करते हो। आजकल क्लबों में कौन नहीं जाता, औरों की तरह मैं भी जाता हूँ। औरों की पत्नी आत्महत्या नहीं करती मिस्टर अरुण, क्या तुम अपनी बीवी की भावनाओं को समझने के बजाय उसे कुचलने की कोशिश नहीं करते थे? क्या तुमने उसे एक मजबूर और लाचार औरत बनाकर नहीं रखा था? क्या तुमने उसे कल रात झगड़ा नहीं किया था? सच सच बताइए मिस्टर अरुण, वरना मुझे तुम्हारे साथ सख्ती बरतना होगी। सर, करुणा चाहती थी कि मैं हमेशा उसकी नजरों के सामने रहूं, उससे बातचीत करूं, उससे साथ लेकर घूमूं, उससे छेड़छाड़ करूं, लेकिन मुझे ऐसा पसंद नहीं था। क्यों? इसलिए कि मैं मर्द हूं, मैं कारोबारी आदमी हूं, मेरे घर की दुनिया अलग है, मेरी बाहर की दुनिया अलग है। कल रात को जब मैं दिल्ली जाने के लिए तैयार हो रहा था तो कहां जा रहे हो? दिल्ली जा रहा हूं, पिताजी ने कहा है बहुत जरूरी काम है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं कोई पिकनिक पर नहीं जा रहा हूं। तो क्या हुआ, काम का काम और पिकनिक की पिकनिक हो जाएगी। करुणा, तुम आफ देखती हो ना ताव, अल्लड़ लड़कियों की तरह हरकत करती हो। मैं लड़की ही तो हूँ, जब तुम मुझे लड़के की माँ बना दोगे तो मैं सुगर औरत बन जाऊंगी। करुणा प्लीज, आज की रात रुक जाओ ना, इतना भी नहीं समझते क्या? सच्ची, कल मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, कल चले जाना। करुणा, मैं कल शाम तक लौट आऊंगा, आई प्रॉमिस। कल की शाम किसने देखी मेरे राम? सर, मुझे क्या पता था कि वो मुझसे इतनी नाराज हो जाएगी। उसके तो वो शब्द कि कल की शाम किसने देखी है, मुझसे भुलाए नहीं भूलते। तुम्हारी शादी हुए कितने साल हुए? ये 3रा साल चल रहा है। बच्चों का जिक्र क्या वो पहले भी करती थी? कई बार करती थी, और पिछले साल तो नींद की गोलियां खाकर उसने खुदकुशी करने की कोशिश भी की थी। इसका सबूत है तुम्हारे पास? जी हाँ, डॉक्टर टंडन के क्लिनिक में उसका इलाज कराया था और डॉक्टर साहब के पास उसकी रिपोर्ट होगी। तुमने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की थी? गांव में बदनामी से बचने के लिए और करुणा की बेहयाई छुपाने के लिए। अच्छी कहानी गढ़ी है तुमने। आप मुझ पर यकीन कीजिए सर, हमारे घर की इज्जत आपके हाथों है, सच्चाई तो मैंने बयान कर दी है। सच्चाई को तो कोई भी नहीं छुपा सकता। याद रखो, जब तक यह कार्रवाई मुकम्मल नहीं होती, मुझे बताए बिना तुम इस गांव से कहीं नहीं जा सकते। नमस्कार इंस्पेक्टर साहब, आपके पुलिस वाले ने हमसे कहा कि आपने याद किया है, हमने कहा चलो चलता है देखता है। तुम्हारा नाम? ललूला लाई, बाप का नाम कलूला लाई, दादा का नाम कद्दूला लाई और उनके बाप का नाम बस भाई बस, करेले को खींच कर कद्दू मत बनाओ। नहीं बनाते जी। ललूलाल जी, आप काम क्या करते हैं? वो तो गेस्ट हाउस का सारा काम करता है जी, झाड़ू से लेकर भगवान तक। अच्छा अच्छा, तो मैं जो कुछ पूछूं क्या आप सच बताएंगे? आप चाहेगा तो सच बताएगा, आप चाहेगा तो झूठ भी बताएगा। वो तो हम झूठ ऐसा बोलता है कि पका सच लगता है। बहुत खूब, मगर तुम सच सच बताओगे? हाँ हाँ बताएगा जी। कल रात तुमने शर्मा जी के घर पर क्या देखा? कल रात हमने शर्मा जी के घर पे देखा कि बहुत कारें आती थी जाती थी, आती थी जाती थी। फिर हमने किसी को शर्मा जी के घर के छज्जे से गिरते देखा, धड़ाम से। मतलब तुमने चीख सुनी? चीख नहीं इंस्पेक्टर साहब, किसी के गिरने की आवाज सुनी। गिरने वाले को तड़पते देखा तुमने? नहीं जी, उसमें जान नहीं थी। तुम जानते हो मरने वाले को? जरूर जानता है जी, वो तो शर्मा जी का बहुरानी था। ललूलाल जी, ये सब बातें क्या तुम कोर्ट में बता सकोगे? कोर्ट क्या है जी,
आम तो सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर बताएगा जी। ठीक है, तुम जा सकते हो। आम जरूर जाएगा जी। पुलिस में रहकर मुखबरी करते हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं तो सजा से पहले मैं हर किसी को संभलने का मौका देता हूं, इसलिए आज से इंक्वायरी में तुम मेरे साथ नहीं हो। शर्मा जी, हमने जो देखा जो सुना वो सब कुछ बता दिया। शाहनवाज खान खोदते खोदते किसी ना किसी दिन आपको सूली पर चढ़ा देगा। अब आप जाने या तिवारी जी, हमने तो भाई अपनी दोस्ती का हक अदा कर दिया। तो शाहनवाज को आप ही कुछ खिला दीजिए ना, जितनी उसकी भूख है। वो न खाता है न खाने देता है, पता नहीं पुलिस में क्या भाड़ झोंकने आया है। शर्मा, अब तक केस ऐसे जा रहा था जैसे मक्खन में से बाल निकाला जा रहा हो। उस लल्लू के बच्चे ने सब कुछ चौपट कर दिया। करेक्ट तिवारी जी, मिलाइए हाथ इस बात पर। हाँ। अरे हाँ शर्मा जी, आपका वो ड्राइवर था जॉर्ज, उसे नौकरी से निकाल दिया है ना आपने? हाँ, मैंने इस महीने की पहली तारीख से जॉर्ज का इस्तीफा ले लिया है, मगर हर महीने उसकी तनख्वाह उसके घर पहुंचाने का वादा किया है। गुड। आप कहें तो लल्लू लाल को गांव से भगा सकता हूँ? नहीं 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 नहीं, शाहनवाज का शक यकीन में बदल जाएगा। लल्लू को भगाने के बजाय आप लोग शाहनवाज को भगाने की बात सोचिए। शर्मा जी, शिकार करो तो शेर का, लल्लू सल्लू को भगाने से कुछ नहीं होता। तो फिर ये काम तो तिवारी ही कर सकता है। मैं करूंगा, गृह मंत्री के पास पहुंच जाऊंगा, पैसा खर्च होगा लेकिन काम पक्का होगा। तिवारी जी, आप काम को पैसे से क्यों तोलते हैं? हमें काम चाहिए, काम। क्यों शर्मा जी? हाँ, मैं तैयार हूं। 1.5 लाख लग जाएगा। ठीक है, चलो। आज एक अच्छी बबात तो हुई। शर्मा जी, कल मुझे 10,000 भेज दीजिएगा। मगर मैंने तो मगर शगर कुछ नहीं, मैं एक घर बना रहा हूं, जितने पैसे डालो घुसते ही चले जाते हैं, भूलिएगा नहीं। गुड नाइट। अरे यार तिवारी, ये इंस्पेक्टर तो बहुत पैसा खाता है, मैं तो तंग आ गया हूं। मगर मच्छ की पीठ पर बैठ गए हो तो दरिया पार करने की सोचो। बच्चों, अब तुम जाओ। मास्टर जी, ये देखिए, शाहनवाज खान का ट्रांसफर हो गया। बहुत ईमानदार अफसर था, इंसाफ की थोड़ी उम्मीद थी वो भी उठ गई। कौन आ रहा खान साहब की जगह? महासिंह गढ़वाल, बहुत ही बदनाम अफसर है, झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में माहिर है। कौन है इस गेस्ट हाउस का कैटेगर? ओ तो जी, आम है जी, हमारा नाम लालू लाल है। क्या ये? ये तो सरकारी रजिस्टर आई, इसमें थोड़ा दस्तखत करना पड़ता है जी। पुलिस से दस्तखत मांगता है साले? शाब जी, हमारा पिताजी भी हमसे ऐसा तू थोड़ा अक्से बात नहीं करता है जी। मैं तेरे बाप का बाप हूँ, समझा? साला दस्तखत मांगता है, वो भी महासिंह गढ़वाल से। क्लास इंस्पेक्टर, उस बुड्ढे को बुलाओ। मेरी बेटी को मार डाला गया है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? जनाब, मेरी बेटी की शादी से मौत तक सारे वाकयात मैंने इस पेटीशन में लिख दिए। मेरी विनती है, आप गौर से पढ़ लें तो शायद आप भी जान जाएंगे कि वो आत्महत्या नहीं थी। मुझे ड्यूटी समझा रहे हो? माफी चाहता हूँ, मैं तो केवल इंसाफ की भीख मांगता हूँ। हाँ, किसने मारा तुम्हारी बेटी को? अरुण ने, शर्मा ने, तिवारी ने, लक्ष्मी ने, किसने मारा? या इन सब ने मिलकर मार डाला? ये मैं कैसे कह सकता हूँ जनाब? तो फिर इल्जाम कैसे लगा सकते हो? मैं तो इतना कह सकता हूँ कि उसे मार डाला गया है। मेरी शिकायत पर विश्वास था खान साहब। शाहनवाज खान का नाम मत लो मेरे सामने।
मैं इस इलाके का सीनियर इंस्पेक्टर हूं। जिसे देखो शक और शिकायत के भंडार लेकर आता है, गवाह और सबूत नहीं। छोटी सी बात नहीं समझ सकते क्या? ताला खोलना हो तो चाबी चाहिए, चाबी। सर, सर मैं कहूंगी कि मेरी बहन को किसने मार डाला है। कौन हो तुम? ये मेरी बेटी उषा है। राम स्वरूप जी, आपकी लड़कियां इतनी खूबसूरत हैं कि कौन बेवकूफ इन्हें मारेगा? लोग तो खुद इन पे मर जाएंगे। उषा तू घर जा, शाम से घर ले जा, मैं अकेला इंस्पेक्टर साहब से बात कर लूंगा, जाओ घर। इंस्पेक्टर साहब, हम लोग गरीब सही मगर शरीफ भी हैं। कौन कहता है तुम गरीब हो? जवान और खूबसूरत लड़की का बाप तो धनवान होता है। अगर आप जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो नमक मत लगाइए इंस्पेक्टर साहब। भगवान न करें कहीं आपकी बेटी पर किसी दरिंदे की नजर न पड़ जाए। मेरी कोई बेटी नहीं है। बहन तो होगी? वो भी नहीं है। पत्नी तो होगी? वो मैके जा बैठी है। तुम जैसे जानवरों से इंसाफ मांगने के बजाय आत्महत्या करना बेहतर है। बिकाऊ हो तुम लोग, ईमान धर्म सभ्यता सब बेचते हो। कथाई हो तुम लोग, काटो मजलूमों के गले, काटो जी भर के काटो। भगवान के अवतार को धरती पर उतरते देर नहीं लगती। लल्लू मेरे, क्या तू अरुण को जानता है? जानता है जी। कैसा आदमी है वो? वो तो बहुत हो, नाम बड़ी बदमाश है जी। शाम सवेरे दारू पीता है, बीवी से बहुत हो, मार भी टकरता है जी, और क्लब में जाके बंदर की तरह नाच करता है जी। और हमारे हमारे गेस्ट हाउस में रोज नए नए सोकरी लेके आता है, और हमसे भी बहुत दंगा फसाद करता है जी। और करुणा जी को उसी ने मार डाला होगा जी। तूने देखा? हाँ, वो छजेशे लाश को गिरते देखा है जी। आप उसे जो पूछना है हम सब कुछ शायद बताएगा, पूछिए। इंस्पेक्टर खेरा तुझे समझाएंगे कि हम क्या सुनना चाहते हैं। इंस्पेक्टर समझा दो इसे। समझाइए जी। चलो बाजू के कमरे में चलो। चलिए जी। समझ में आई बात? आई जी। पूछूं? पूछिए जी। अरुण कैसा आदमी है? वो तो जी बहुत ईरा आदमी है जी। वो तो बीवी से बहुत प्यार करता था। सिगरेट शराब बिल्कुल नहीं पीता है जी। ताश बिल्कुल नहीं खेलता है जी। क्लब का नाच वो बिल्कुल नाच नहीं जानता है। लड़कियां लेके गेस्ट हाउस में आता था? और कभी कभी नहीं जी। अच्छा लल्लू मेरे, अब ये बताओ किशन शर्मा कैसा आदमी है? एकदम लफंगा आदमी है जी। रोज रात को गुंडों के साथ शराब पीता है। और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, गवर्नमेंट को धोखा देता है जी। और सुना है कि वो तो बहुत खून खराबा भी करता है जी। और पूछिए कि इंस्पेक्टर साहब, पूछिए तो पूछेगा, हम बोलेगा। इंस्पेक्टर खेरा, इसे समझाओ हम क्या चाहते हैं। समझाइए जी। चलो अंदर। चलिए जी। वो तो हम समझ गया जी। क्या समझा? वो शर्मा जी तो भगवान का रूप है जी। और वो तो बहुत ही ज्ञानी और दयालु आदमी है जी। और आप बताइए जी। गौर से सुन, 9 अक्टूबर की रात को
तू गेस्ट हाउस में नहीं था। गेस्ट हाउस में क्या जी, हम तो इस गांव में नहीं था जी। याद रहेगा ना? पक्का याद रहेगा जी, पक्का याद रहेगा। हम जब झूठ बोलता है तो पक्का शट नजर आता है। शर्मा जी, बस अब आप टांगे पसार के सो जाइए, फाइल मैंने क्लोज कर दी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और ये रहा मेरी तरफ से छोटा सा तोहफा। मुझे 10,000 और चाहिए। घर तो बस पैसे खाता ही चला जाता है। अरे भाई, तुम चारा ज्यादा खाते हो मगर दूध बहुत कम देते हो। शर्मा दे डालो, खेल खत्म, पैसा आजम। चलो। हमारी नादानी से जो परेशानी हुई है, तोबा तोबा, मैंने तो कान पकड़ लिए हैं। खुदा तो किसी दुश्मन को भी पुलिस से वास्ता न करवाए। अरे भगवान का शुक्र अदा करो कि हल्दी चूने से बला टल गई, वरना जान जोखिम की बात थी। हाँ, सो तो है। मास्टर जी, पुलिस के बाप का राज है क्या जो हम खामोश बैठे रहे? पिताजी शाम सच ही तो कह रहे हैं। बेटी, इस जमाने में इंसाफ मांगने से नहीं मिलता, उल्टे रुसवाई गले पड़ जाती है। तुमने देखा नहीं कल महासिंह को, कैसी हवस थी उसकी आंखों में, जानवर भी शर्मा जाए। पता नहीं कौन से स्कूल से पढ़ के बाहर आते हैं ये लोग, समाज को गंदा करने के लिए। पिताजी, महासिंह ही तो पुलिस का एक अफसर नहीं, उसके ऊपर भी कई अफसरान होंगे, हम लोग उनसे शिकायत करेंगे। बेटी, कोई फायदा नहीं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। स्वराज के सपने देखने वालों ने कैसी कैसी कुर्बानियां दी थी, क्या सोचा था और क्या हो गया। मान लो आज पुलिस का राज है। मास्टर जी, पुलिस का नहीं, पब्लिक का राज है। सारा गांव जानता है कि पुलिस खरीदी गई है। हम पब्लिक को जगाएंगे, उन्हें सड़कों पर लाएंगे, जुलूस निकालेंगे और बताएंगे कि आज पुलिस का नहीं, पब्लिक का राज है। हाँ मास्टर जी, पब्लिक के सामने पुलिस तो क्या, मिलिट्री को भी झुकना पड़ेगा। ये लखनपुर की समस्या नहीं, पूरे हिंदुस्तान की समस्या है। अरे हम बूढ़ों में अब हिम्मत कहाँ, तुम नौजवान चाहो तो क्या नहीं हो सकता। पुलिस राज, पुलिस राज। करुणा के हत्यारे को, करुणा के हत्यारे को। पब्लिक राज, पब्लिक राज, पब्लिक राज, पुलिस राज, पुलिस राज, पुलिस राज, पुलिस राज, पुलिस राज, पुलिस राज। हाय हाय लल्लू, मेरे तमाशा क्या देख रहे हो, हम पुलिस का बाजा बजाने जा रहे, चलोगे नहीं क्या? आएंगे जी, आपके पीछे पीछे आएंगे। हाय हाय, एक तुम ही रह गए थे हमारे पीछे आने वाले, सामने चलो। पुलिस राज, पुलिस राज, पुलिस राज। नमस्ते इंस्पेक्टर, क्या कान भर रहे हो मंत्री जी के? इन्होंने अपनी आंखों से तुम्हारी करतूतें देख ली हैं, तुम्हारी एक नहीं चलेगी। जनता को तुम जैसे भेड़ियों से बचाने के लिए ये पदवी पर बैठे हैं। हुजूर, ये हमारा संकट है। हुजूर, आपने पढ़ा नहीं? मेहनत करके उत्पादन बढ़ाने के बजाय तुम लोग बेवजह जुलूस निकालकर महंगाई बढ़ाते हो। ये कागज का टुकड़ा देने के लिए इतनी पब्लिक इकट्ठा करके लाने की क्या जरूरत थी? हुजूर, ये कागज का टुकड़ा नहीं, हमारी आत्मा की आवाज है, हमारी अपील है। आपने इसे पढ़ना भी गवारा नहीं समझा? देखो, मेरे पास वक्त कम है, कहो तुम्हारी मांगे क्या है? हुजूर, लल्लू लाल को बुरी तरह मारा पीटा गया, क्या इसलिए कि उसने सच कहा था? सर, ये शख्स
अकल की दुकान खोले बैठा था, अब ये लीडरी की दुकान खोलना चाहता है। हुकूमत के खिलाफ पब्लिक के कान भरता फिरता है, इसकी वजह से गांव के अमन और एकता को खतरा हो गया है। सर आप इजाजत दें तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दूं। हुजूर ये झूठा है, इसलिए तो आप शांत रहिए, मैं पूछताछ करूंगा। हुजूर मेरी बेटी की हत्या हुई सारा गांव जानता, मगर हत्यारे बेभाग घूम रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। मैं पूछता हूं, पुलिस जालिम की रक्षा करती है या मजलूम की? इंक्वायरी रिपोर्ट के मुताबिक वो आत्महत्या थी। नहीं थी, नहीं थी हुजूर, मैं साबित कर दिखाऊंगा अगर आप इस केस की छानबीन शाहनवाज खां के हवाले करें। हुजूर इस महापापी को इस गांव से हटाइए। वाह, तो कल आप ये भी कह सकते हैं कि मुझे इस पदवी से हटाकर किसी लल्लू पंजू को गृह मंत्री बनाओ। देखो तुम्हारी मांग गलत है, सरकारी नौकरी में तबादले होते रहते, सरकारी अफसरों पर शक नहीं करना चाहिए। हुजूर हम तो बड़ी उम्मीद लेकर आए थे आपके पास, मगर राम स्वरूप जी सबको एक न एक दिन मरना है, कोई आगे कोई पीछे, मैं आपके गम में बराबर का शरीक हूं। आप अपने दिमाग से ये वहम निकाल दीजिए कि आपकी लड़की को मारा गया, और सुनो अपने मतलब के लिए पब्लिक को मत भड़काओ, समझे? कल सवेरे मास्टर जी के दस्तखत इस पेटिशन पर करवा लो और इन लिफाफों में डालकर पोस्ट कर दो। मुख्य न्यायमूर्ति सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली, राष्ट्रपति नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नई दिल्ली, यही एक आखिरी रास्ता है। अगर यहाँ भी इंसाफ ना मिला तो मैं जंगल के कानून को सलाम करूंगा। खून का बदला खून। नहीं नहीं तुम ऐसा कभी ना करना। नमस्कार। नमस्कार, राम स्वरूप ने एक पेटीशन 6 दिसंबर को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्य न्यायमूर्ति के नाम रवाना किया था, जिसमें इन्होंने ये दावा किया है कि इनकी लड़की की मौत 9 अक्टूबर की रात को राजधाना माहौल में हुई। इन्होंने राज्य पुलिस और राज्य सरकार पर ये इल्जाम लगाया है कि मुजरिम को तलाश करके सजा दिलवाने के बजाय मुजरिम को पर्दापोश किया गया है। इन्होंने मुल्क के जमहूरी निजाम को ललकारा है, इसलिए मुख्य न्यायालय ने इनके पेटीशन को रिट पेटीशन में बदलते हुए ये हुक्म जारी किया है कि केंद्र सरकार से सीबीआई ऑफिसर भेजा जाए और करुणा केस की दोबारा छानबीन की जाए। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक सीबीआई डायरेक्टोरेट ने सीबीआई ऑफिसर श्री जगमोहन आजाद को इस केस की छानबीन के लिए नामजद किया है। श्री जगमोहन आजाद बहुत जल्द दिल्ली से रवाना हो रहे हैं। ये रवि पहले हम इस इलाके के एसपी से मिलकर करुणा केस की फाइल लेंगे। जी सर। और उसे स्टडी करेंगे। कार्रवाई शुरू होने तक महासिंह गढ़वाल को पता न चले कि हम सीबीआई डायरेक्टरेट से आए हैं। मैं महासिंह गढ़वाल, इस इलाके का सीनियर इंस्पेक्टर। मेरी जीप खराब हो गई है, अगले गांव तक लिफ्ट चाहता हूं। बैठ जाइए, मैं अगले गांव से मैकेनिक भेज देता हूं, तुम चले आना। जी साहब। अपने इलाके को छोड़कर मेरे इलाके में पधार रही हैं। आपको तकलीफ हो रही हो तो आप ऊपर चले जाइए, कुत्ते को यहाँ भेज दीजिए। आप हो या कुत्ता, मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे कुत्ते को फर्क पड़ता है, वो इंसान के बाजू में बैठने का आदी है। खूब कहा आपने, आप तो मेरे भाई लगते हैं। आप तो बड़े जिंदा दिल लगते हैं, आपकी पब्लिक आपसे बहुत खुश होगी। ये तो हम नहीं जानते, लेकिन हम पब्लिक से बहुत खुश हैं। एक राज की बात बताऊं, पब्लिक बड़ी डरपोक होती है,
डराने वाला चाहिए मुझ जैसा। आपके इलाके में जुर्म ज्यादा होते हैं या कम? आप ये पूछिए कि माल ज्यादा मिलता है या कम। कितना कमाया होगा आपने? देखिए मिस्टर, नाम क्या आपका? जगमोहन। हाँ, तो जग जगमोहन झांसी वाले। कहीं झांसा तो नहीं दे रहे हो? हाँ साहब, माल तो हमने बहुत कमाया और बहुत उड़ाया, क्योंकि सच बात तो यह है कि रुपया हमारे पास रहता ही नहीं। क्यों जनाब, हमारी आदतें भी तो हरामी हैं। हम जानते हैं कि हराम का पैसा हरामी आदतें भी सिखा देता है। सच कहा आपने, सच कहा। आपके रेट्स क्या हैं? चोरी, डकैती, मारपीट, खून खराबे के रेट्स? अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं बताऊं आपको, पब्लिक की जेब देखकर माल निकाल लेते हैं। वैसे माल मर्डर केस में ज्यादा मिलता है। कितना मिलता होगा? छोटा आदमी मर्डर करता है तो 25-30 हजार तो हम निकाल लेते हैं, और अगर चिकना आसामी फंस गया तो 1.5-1 लाख तो हम बना ही लेते हैं। महा सिंह जी, हाँ, वो जो आपके पीछे बैठे हैं सीबीआई ऑफिसर हैं। ये मजाक कर रहा है? हाँ मैं जानता हूँ, लोग समझते हैं सीबीआई ऑफिसर के पंख होते हैं, सींग होते हैं। अरे कुछ नहीं होता, कभी कभी आते हैं मेरे इलाके में, आने से पहले खत आता है, क्योंकि मुझे ही उनके रहने खाने, शराब कबाब और माल का इंतजाम करना पड़ता है। बहुत मजा आया आप लोगों के साथ, कभी इधर से गुजरें तो हमसे जरूर मिलिएगा, और देखिए कि हम दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के दुश्मन होते हैं। आपसे दोबारा मिलने की ख्वाहिश बढ़ गई है। जरूर मिलेंगे मिस्टर महासिंह। महासिंह गढ़वाल। चलो। ये पैकेट, इसमें करुणा के कपड़े हैं, और ये फोटोग्राफ। और जेवर? कान के टॉप्स और मंगलसूत्र हैं इसमें। शाहनवाज ने लिखा है कि करुणा कंगन भी पहनती थी। पहनती होगी, लेकिन उस वक्त मौजूद नहीं था। श्योर? वेरी मच श्योर मिस्टर आजाद। आप ठहरे कहाँ हैं? आप चाहें तो मैं इंतजाम करा दूं। शुक्रिया, हम गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में ठहरे हैं, बस पूरा आराम है, और जब तक हम इस केस पर पूरे तैयार ना हो जाएं, हमारे आने की इतला महासिंह और खेरा से छुपाए रखिएगा, ताकि वह गुहाओं को तोड़ ना दें। जी शुक्रिया। मैं समझता हूँ मिस्टर आजाद। इजाजत। तुम लोगों ने भी फाइल पढ़ी है, विजय तुम्हारा क्या ख्याल है? सर ये तो आत्महत्या लगती है। कारण? पोस्टमार्टम रिपोर्ट। यही तो बुनियादी सबूत है जिसमें डॉक्टर ने लिखा है कि करुणा की मौत ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। और रवि तुम क्या कहते हो? सर ये हत्या है, बनावटी मौत। तुम्हारे नतीजे की बुनियाद? मैं तो पुलिस वाला हूँ, उल्टा देखना मेरी आदत है। सर आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल से आत्महत्या भी हो सकती है और हत्या भी। वो कैसे सर? इस चाय के गिलास को देखो, कोई एक कहेगा कि यह आधा खाली है और कोई दूसरा कहेगा कि यह आधा भरा हुआ है। दोनों ही सही हैं, सिर्फ सोचने का अंदाज अलग अलग है। मेरे ख्याल में तुम दोनों सही हो। अब हमें नए सिरे से छानबीन करना होगा, और अगर यह आत्महत्या है तो हमारा मिशन आसान है, और अगर हत्या है तो मुजरिम को पहचानना होगा, और यह भी पता लगाना होगा कि महासिंह अपनी ड्यूटी में फेल हुआ है या रिश्वत या किसी दबाव का शिकार हुआ है। सर तहकीकात हमें शर्मा जी के मकान से शुरू करनी चाहिए। मगर इससे पहले हमें शाहनवाज खान से मिलना जरूरी है। शाहनवाज खान आइए। इनायत, आपको कहीं बाहर जाने की जल्दी तो नहीं? बिल्कुल नहीं, अभी तो बस फुर्सत ही फुर्सत है। पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझे एक्टिव पुलिस ड्यूटी के काबिल नहीं समझा,
और इंटेलिजेंस में बैठा दिया। बैठिए। अब तो मेरा ताल्लुक ना तो पब्लिक से है और ना ही पब्लिक के दुश्मनों से। हम जानना चाहते हैं कि आप महासिंह की रिपोर्ट से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं। क्यों? अब आपसे क्या छुपाएं? सुना है मिनिस्टर का दबाव था। और रिश्वत? रिश्वत लेने वाले ही दबाव का शिकार होते हैं। मैं जानता हूं महासिंह को, बहुत ही ब्रिलियंट अफसर था। आज के हालात ने उसे भी बदल डाला। आपके शक की बुनियाद क्या थी? पहली वजह उन लोगों का खौफ और घबराहट, जैसे पुलिस से कुछ छिपा रहे थे। दूसरी वजह मेरा अचानक तबादला और महासिंह जैसे अफसर का लाखन पुराना। लेकिन तीसरी सबसे अहम वजह यह थी कि अक्टूबर 9 की रात को 9:30 बजे तक बारिश हो रही थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक करुणा ने आत्महत्या 9 बजे की थी। लेकिन ना तो उसके कपड़े गीले थे और ना ही उसके बाजू पड़ा हुआ खून बह गया था। हो सकता है करुणा ने 9:30 बजे के बाद खुदकुशी की हो, हमारा मतलब है बारिश रुक जाने के बाद। लेकिन डॉक्टर ये बात मानने को तैयार नहीं है। मुझे लगता है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अरुण के बचाव के लिए लिखवाई गई है। जहां डॉक्टर ने अरुण को बचाने की कोशिश की है, वहां वो भूल गई है कि शर्मा इस इल्जाम का शिकार हो सकता है। मगर शर्मा तो बरसात रुकने के बाद मकान पहुंचा था। वो शर्मा की स्टेटमेंट थी, सच्चाई नहीं थी। अगर ऐसा होता तो पुलिस डॉग शर्मा और तिवारी को फौरन पहचान लेता। मुझे लगता है ये एक आदमी का काम नहीं है, वो सब आपस में मिले जुले हैं। अगर एक आदमी अकेला जुर्म करता है तो उसे पकड़ना जरा मुश्किल होता है। इस वारदात में अगर कोई दूसरे भी शामिल हैं तो मुजरिम का बचना मुश्किल है, क्योंकि गवाहों से सच कहलवाना हम जानते हैं। थैंक यू मिस्टर खान। गुड लक। थैंक यू। राम शाही। क्यों मैं लल्लू, कहाँ है सीबीआई ऑफिसर? वो तो ऑफिस रूम में एक इंस्पेक्टर शाहिद। सीबीआई ऑफिसर महासिंह के इलाके में, महासिंह को बताए बिना महासिंह की इंक्वायरी रिपोर्ट पर इंक्वायरी करने आया है। वो कौन सीबीआई ऑफिसर है जिसे महासिंह गढ़वाल नहीं जानता? तो सर आपने हमें झांसा दे ही दिया। सर आप भी पुलिस वाले हैं, मैं भी पुलिस वाला हूं, हम एक दूसरे की ताकत और कमजोरी को अच्छी तरह जानते हैं। महासिंह, ना हम कभी कमजोर थे ना कमजोर हैं। बाकी इस फाइल में शाहनवाज खान ने लिखा है कि मौत बड़ी पुरसरार और पोशीदा हालात में हुई थी। वो शाहनवाज खान का ख्याल था, मेरा नहीं। इस केस को खत्म करने के लिए तुमने कितने रुपए लिए? आपका सवाल बेबुनियाद है। सबूत क्या है आपके पास? आई रिपीट, सबूत क्या है? सबूत? आग से मांगते हो कि वो जलाती कैसे है, आंधी से मांगते हो कि वो उड़ाती कैसे है, और नदी से मांगते हो वो डबोती कैसे है। मिस्टर ऑफिसर, इस यूनिफॉर्म पर आग आंधी पानी का असर नहीं होता। इसे पहनकर तो आदमी शेर बन जाता है। महासिंह, शेर की खाल पहनकर आज तक कोई आदमी शेर नहीं बन सका, और बहुत ही जल्द हम तुम्हारी ये शेर की खाल उतरवा लेंगे। जान जाओगे कि हुक्म क्या होता है और फर्ज क्या होता है। हुक्म और फर्ज में हमेशा जंग होती रही है। याद रहे महासिंह, इस मुल्क पर जहां बादशाहों ने हुकूमत की है वहां गुलामों ने भी की है, जहां बहादुरों ने हुकूमत की है वहां भगड़ों ने भी की है।
जहां शरीफों ने की है वहां चोर और लुटेरों ने भी की है। मैंने इतिहास पढ़ा है। सो तो तोते भी पढ़ लेते हैं, शायद तुम अंजाम पढ़ना भूल गए हो, लेकिन ये याद रहे कि इंसाफ के जिन सौदागरों के भरम पर तुम फर्ज का सौदा कर रहे हो उनकी गर्दनी भी हमारे हाथों से दूर नहीं। अब तुम जा सकते हो। हमने देखे हैं बहुत बातें बनाने वाले, बातें वाले तो जनाब काम किधर करते हैं। वो जो देखे ही नहीं तूफान उठाते सागर, वो क्या खाक समंदर में सफर करते हैं। सपना किसी का मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन ना खरी हो मेरी जिंदगी का। हमेशा रहूं मैं तेरे बाजुओं में, न टूटे ये बंधन कभी दोस्ती का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा सपना किसी का मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से, वो दिन ना करीब हो मेरी जिंदगी का। तमन्ना है जिन रास्तों पर चले तू, निशा हो वहाँ पर मेरी बंदगी का। ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, ये आंखें उसी रात हो जाए अंधी, जो तेरे सिवा
सपना किसी का मैं जिस दिन भुला दूं तेरा प्यार दिल से वो दिन ना करीब हो मेरी जिंदगी का मैं जिस दिन भुला मुझे घर लौटना है पिताजी परेशान हो रहे होंगे भगवान ने मुझे दो लड़कियां दी मैंने पढ़ाया लिखाया शर्म और हया के जेवरों से सजाया घर गृहस्थी के आदाब सिखाए लेकिन नौकरी करने नहीं दिया क्योंकि औरत जब कमाती है तो ढीठ बन जाती और अपने घर गृहस्थी का मतलब भूल जाती मगर जमाना करवट ले रहा है मेरे विचार गलत साबित हुए करुणा के लिए जो भी रिश्ता आता था वो कहता था कि उसे कमाऊ बीवी चाहिए वरना दहेज इतना मांगते थे कि मुझे अपनी बेबसी पे नफरत होती थी मैं दिन रात करुणा की शादी के सपने देखा करता था और फिर डूबते को तिनके का सहारा बनकर शर्मा जी मेरे मकान पर आए पसंद आया कह दो कि पसंद नहीं पिता रामस्वरूप जी हमें करुणा पसंद है दहेज में क्या मांगते हैं आप फूटी कौड़ी नहीं बिल्कुल नहीं मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ जो सुनता हूँ उसी को सच मान लेता हूँ 16 आने सच है राम जी शर्मा भी दहेज को लाने समझते आजकल के जमाने में तो यकीन नहीं आता दोस्त पर यकीन कीजिए राम जी और फौरन हाँ कह दीजिए बस मुबारक हो मुबारक हो अनु बेटे जरा देखो तो सही घर पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो जाएगी हाँ पिताजी मास्टर जी भाभी को आपसे ज्यादा नहीं तो आपसे कम प्यार भी ना देंगे हम लोग चलो अरुण चलिए भाभी रो मत उषा मैं आती जाती रहूंगी पिताजी का ख्याल रखना हाँ इन्हें ज्यादा काम मत करने देना चलो बेटी देर हो रही है ये कंगन मेरी बहन ने मुझे दिया था हाँ तो फिर क्या हुआ 4-6 महीने ठीक ही गुजरे करुणा कुछ ज्यादा ही दिन मैके में रुक गई मैं पूछता तो टाल जाती थी एक दिन अरुण के साथ शर्मा भी आया मेरा माथा ठनका क्योंकि शर्मा कुछ कहना चाहता था मगर कह नहीं पा रहा था जाते समय करुणा ने मेरे चरण छुए और लड्डू है बेसन के जो कि जीजा जी को बेहद पसंद है बेटी करुणा तुमने अपने पिताजी को बता दिया ना जो मैंने तुम्हें कहा था हाँ पिताजी अरुण का इरादा है कि दिल्ली में फ्लैट और मकान बनाकर बेचें कहते हैं बहुत फायदा है इस धंधे में भगवान कामयाब करे बेटा बैंक से कर्ज ले रहे हैं बैंक वालों को गारंटी चाहिए और वो भी दिल्ली की वो जो हमारी जमीन पड़ी है दिल्ली में उसकी गारंटी देना चाहते हैं शर्मा जी उषा की शादी के लिए मैं एक टांग पर ठहरा हुआ हूँ अच्छा बर मिल जाने पर वही जमीन बेचकर शादी करना होगा आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं कोई ना कोई आपकी मदद कर ही देगा
देखिए रामस्वरूप जी, ना ही तो हमने आपसे दहेज लिया था और ना ही दहेज मांगते हैं। हम आपसे कर्जा भी नहीं मांग रहे, बस सिर्फ इतना चाहते हैं कि कागजात घर में पड़े रहने के बजाय बैंक में रहे। आप उषा का रिश्ता पक्का कीजिए और बताइए, ये मेरा वादा रहा कि आपकी जमीन के कागजात लौटाने के बाद ही मैं पानी पीऊंगा। शर्मा जी, आप मेरी नीयत पर चक मत कीजिए, मेरी मजबूरी का ख्याल कीजिए। तो फिर बिठाए रखिए अपनी बेटी को अपने घर। चलो बेटे। शर्मा जी, ये क्या कह दिया आपने जोश में, मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी आपसे। पिताजी, आप इनको कागजात दे दीजिए, आप मेरी शादी की चिंता क्यों करते हैं। ये लीजिए कागजात, पर भगवान के लिए मेरी बहन को दुख मत दीजिए। और फिर 2 साल बाद उषा की शादी ठहराई गई तो मैंने शर्मा को कई खत लिखे, कोई जवाब नहीं आया। एक दिन मैं खुद उसके घर चला गया। क्यों आए हो? शर्मा जी, आप तो जानते हैं मुझे पैसों की सख्त जरूरत आन पड़ी है। उषा की शादी इस महीने न हुई तो वो लोग संबंध तोड़ देंगे। संबंध तो मैं भी तोड़ सकता हूँ अगर तुम इस तरह मेरा दिमाग चाटते रहोगे। फिल वक्त मैं तुम्हें जमीन के कागजात लौटा नहीं सकता। इसलिए कि तुमने मेरी जमीन बेच डाली है। किसने कहा तुमसे? मैंने अपनी आंखों से जाकर देखा है। इसीलिए तुम्हारी आंखें लाल हो रही है। खैर, मैं तो बेईमान आदमी नहीं हूँ, मैं तुम्हें 15,000 दे सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे कागजात के मुताबिक उस जमीन की कीमत 15,000 थी। 15,000 में तो पुरखों ने खरीद रखी थी, उल्लू बना रहे हो क्या मुझे? आज के कलयुग में जमीन की कीमत आसमान को छू रही है। सुना वो जमीन तुमने 15,00,000 में बेच डाली है? तो समझ लो कि वो जमीन तुमने दहेज में दे डाली। लड़कियां जानकर इस खुशी में मत रहना कि मुफ्त में शादियां हो जाएगी। वायदा फरामोश, धोखेबाज, भेड़िया कहीं का। पिताजी, पिताजी, आप चले जाइए यहाँ से, चले जाइए यहाँ से। बेवकूफ बुड्ढे, अपनी बेवकूफी पर रोने के बजाय अकलमंदों को गाली देता है। पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे इस नर्क से ले चलिए। करुणा, करुणा, मैं नहीं आऊंगी। चलो जाओ यहाँ से, आइंदा मेरे घर के आसपास नजर आए तो टांगे तोड़ दूंगा। धक्के मार के बाहर निकाल दो इस बुड्ढे को। आपने सिर्फ कागजात ही दिए थे या बैंक जाकर दस्तखत भी किए थे? उसने सफेद कागज पर मेरे दस्तखत लिए थे। इस फाइल में लिखा है कि करुणा ने खुदकशी की कोशिश पहले भी की थी, क्या ये सच है? ये सच है। सर, सच्चाई क्या है मैं बताती हूँ। हाँ, बताओ बताओ। दीदी को डॉक्टर टंडन के नर्सिंग होम में रखा गया था, मगर उन लोगों ने हमें बताया तक नहीं। वो तो गाँव वालों से हमें पता चला तो हम फौरन वहाँ पहुँचे। दीदी, दीदी, आप कैसी हो? बेटी, भगवान आत्महत्या करने वालों की सूरत भी देखना गवारा नहीं करते, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं क्या करती पिताजी, मैं ना आपको खत लिख सकती हूँ ना आपसे मिल सकती हूँ। मुझ पर पहरे बिठा दिए गए हैं, कोई सीधे मुंह मुझसे बात भी नहीं करता। अरुण तो ठीक है ना? कहो, कहो ना बेटी। वो शराब पीने लग गए हैं, रात देर गए घर आते हैं, और कभी कभी किसी लड़की को मेरे कमरे में लाते हैं और मेरे सामने। बेटी, मैं ही गुनहगार हूं, मगर मैं तुझे अपने जीते जी मरते नहीं देख सकता। बेटी, जैसे सुख देर पानी होते, दुख भी हमेशा नहीं रहते। तू वादा कर, वादा कर, ऐसा कदम कभी नहीं उठाएगी। वादा कर बेटी। मैं अपने दुख खुद झेलूंगी पिताजी। इससे जाहिर होता है कि करुणा में मरने की तमन्ना पैदा हो गई थी। बर्दाश्त की ताकत कम हो जाती है तो दरख्त उखड़ जाते हैं
पुल टूट जाते हैं, इमारतें गिर जाती हैं। आप क्यों नहीं मानते कि करुणा ने खुदकशी की होगी? मेरी बेटी ने मुझसे वादा किया था कि वो ऐसी हरकत दोबारा नहीं करेगी। औरत तो नर्म मट्टी की बनी होती है, कभी भी टूट सकती है। इस उम्र में किसी पर इल्जाम लगाने को मन नहीं करता, पर इतना जरूर कहता हूं कि दिल की आवाज दिल से सुनी जाती। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आज तक कोई मुजरिम आपके हाथों से बच नहीं सका। मैं आपका फैसला खुशी से स्वीकार करूंगा। अगर करुणा की हत्या हुई है तो हम मुजरिम को पाताल से खींच निकालेंगे, ये जगमोहन आजाद का वादा है। आपने लिखा है करुणा के पैरों पर कुछ चोट नहीं थी? जो मैंने देखा था वही लिखा था। डॉक्टर जब कोई छलांग लगाता है तो पहले पैर ही उसके जमीन पर पड़ते हैं। जरूरी नहीं। तो फिर उसके सर के पिछले हिस्से में चोट आनी चाहिए? ये भी जरूरी नहीं मिस्टर ऑफिसर। आत्महत्या करने वाला जज्बाती दीवानगी का शिकार होता है, वो बेतहाशा अपने आप को गिरा देता है। करुणा की मौत रीढ़ की हड्डी टूटने से हुई है। डॉक्टर साहिबा को तस्वीर दिखाओ। शायद आसपास का खून लग गया हो। माथे पर जो खून था वो जम चुका था। हो सकता है। और आसपास जो खून था वो गीला था। हो सकता है। देयर यू आर डॉक्टर अलका। मेडिकल साइंस के मुताबिक अगर जिंदा इंसान को चोट आए तो उसका निकला हुआ खून जम जाता है, और अगर मुर्दे को चोट आए तो उसका खून गीला रहता है। इससे ये साबित होता है कि करुणा ने ऊपर से छलांग नहीं लगाई, बल्कि उसके मुर्दा शरीर को ऊपर से फेंका गया। ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या थी। ये आपकी ओपिनियन है मिस्टर ऑफिसर। मेरी ओपिनियन तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखी हुई है। अगर पुलिस को शक था तो हेडक्वार्टर्स हॉस्पिटल भेजकर दोबारा पोस्टमार्टम करा लेती, बल्कि लाश वारिसों के हवाले ना करती। फेलियर तो पुलिस डिपार्टमेंट की है, आप मुझ पर क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? इसलिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपने नहीं लिखी, आपसे लिखवाई गई है। माफ कीजिए, मुझे आपके इल्जाम पर एतराज है। आप अपना एतराज अपने पास रखिए डॉक्टर साहिबा, आपकी रिपोर्ट की धज्जियां उड़ेंगी। हम ये साबित करेंगे कि अगर आपकी रिपोर्ट गलत नहीं थी तो मुकम्मल भी नहीं थी। वो देखिए, वो खून लग रहा है। हाँ विजय, तुम उस खून की टेस्ट रिपोर्ट किसी प्राइवेट लैब से करवाओ, और फिर किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से इसका ब्लड ग्रुप निकलवाओ, ताकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले झूठ ना बोल सकें। यस सर। घड़ी तो रुकी हुई है ठीक 8 बजे। 9 अक्टूबर, इसका मतलब है इस कमरे में 9 अक्टूबर की रात को 8 बजे हाथापाई हुई है। डैड, हेलो। अंकल, हेलो। अरुण, हाय अनूप। अरे बेटे अनूप, कश्मीर से कब आए? बस अभी 1 घंटा पहले। अरे वाह, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? ठीक, बिल्कुल ठीक। अंकल, ये शॉल आपके लिए, पसंद है ना? और अरुण, ये स्वेटर तुम्हारे लिए, अच्छा है ना? अंकल, बर्फ आजकल श्रीनगर में बहुत पड़ रही है। डल लेक का पानी जम कर बर्फ हो गया है। लोग साइकिलें चला रहे हैं और क्रिकेट खेल रहे हैं। आप लोग भी आइए कश्मीर, बड़ा मजा आएगा। ओहो तिवारी, तुम्हारा लड़का तो बेवकूफ का बेवकूफ ही रहा, ओल जोल बके जा रहा है, समझाओ इसे। बेटे तू घर जा। मिस्टर तिवारी, ये कौन है? ये मेरा लड़का अनूप है। नमस्ते। श्रीनगर एयरपोर्ट पे काम करता है, आज ही 1 महीने की छुट्टी पे घर आया है। अरुण, कल सुबह तुम हमें गेस्ट हाउस में मिलो। यस सर। जो बयान तुमने
शाहनवाज खान को दिया वो झूठा है, इसलिए कि तुम ये नहीं जानते कि किसी को आत्महत्या पर मजबूर करना इतना ही संगीन जुर्म है जितना कि किसी की हत्या करना। सर आप किसी की भी कसम ले लीजिए, हम एक दूसरे से बहुत खुश थे, उसे दुख था तो सिर्फ उसकी खाली गोद का, लेकिन मैंने उसे कभी बच्चे की तमन्ना नहीं की थी। क्या तुमने कभी किसी अच्छे डॉक्टर को उसे दिखाया? नहीं। क्यों? इसलिए कि डॉक्टर टंडन ने यह कहा था कि वो कभी मां नहीं बन सकती। तुमने डॉक्टर टंडन को खरीदा था और वो भी राम स्वरूप के रुपए से जो तुमने गबन किए थे। याद करो वो रात 9 अक्टूबर की रात जब तुमने करुणा से झगड़ा किया, उसे मारा पीटा, उसे खत्म करने की धमकी दी और वो बेचारी बेतहाशा इधर से उधर भागती रही और फिर तुमने उसे एक ऊंचाई से धकेल दिया। सर उसकी मौत 9 बजे वाकई हुई थी और मैं 7:30 बजे दिल्ली के लिए रवाना हो गया था। नहीं, तुम 8 बजे उसके मरने के बाद घर से भागे थे। सर प्लीज मेरा यकीन कीजिए, प्लीज। तुम घड़ी तो बांधते नहीं, तुम्हारे कहे वक्त पर कैसे यकीन? आजमा कर देख लीजिए सर, वक्त के बारे में अपने दोस्तों से कई शर्तें जीती हैं। तो फौरन बताओ अभी क्या वक्त है? इस वक्त 3:05 बाकी होंगे। इस फाइल में तुम्हारा वो बयान है जो तुमने शाहनवाज खान को दिया था, इसे देखकर बताओ कि ये दस्तखत तुम्हारे हैं या नहीं। हम अभी लौटते हैं। जी। सर इस फाइल में दस्तखत मेरे ही हैं। अच्छा तुम अब जा सकते हो। जी। सर लगता है बड़ा चालाक है। चालाक तो है मगर जानता नहीं कि चालाकी करने वाला खुद ही अपनी चालाकी का शिकार हो जाता है। सर दरवाजे पर जो खून था उसका ग्रुप बी है और करुणा के खून का ग्रुप भी बी ही था। हाँ इसे ही तो कहते हैं के खून अपना निशान छोड़ जाता है। तुम दुलारी को इसकी नजरों से दूर ही रखो, जैसे ही सीबीआई ऑफिसर की बला टल जाएगी मैं महासिंह का भी बोरिया बिस्तर गोल कर दूंगा, तुम रुपयों का इंतजाम कर लो। वाह वाह वाह, अच्छी दोस्ती निभा रहे हो हैं। सर सर ये छोटा सा नजराना है, इसे कबूल कर लीजिए। श्री तिवारी, बहुत लोग इस रुपए के पीछे भागते हैं लेकिन चंद ऐसे होते हैं जिनके पीछे रुपया भागता है, उन्हीं चंद लोगों में से हम एक हैं। इस बदतमीजी की सजा तुम्हें हम आज तो नहीं देंगे, इसलिए कि तुमने हमारा एक शक बहुत मजबूत कर दिया है। इंतजार करो उस दिन का जिस दिन तुम्हारे हाथों में पैसे की बजाय हथकड़ियां होंगी। लल्लू लाल जी, साहब जी फरमाइए। इन साहिबान को जरा बाहर जाने का रास्ता दिखाओ। जरूर दिखाएगा जी। और अगर ये कभी गेस्ट हाउस के आसपास नजर आए तो इनके कपड़े उतार लेना। जरूर उतार लेगा जी। चलिए जी चलिए। अबे लल्लू झाड़ू छोड़ और फास्ट फास्ट ब्रेकफास्ट बना, बड़े जोरों की भूख लगी है। हाँ चाबू, तू तड़ाक से बात करेगा तो हम नाश्ता नहीं बनाएगा। किसको कह रही है? चपरासी का काम करता हैगा और दिमाग ऊंचा रख रही है। जा ब्रेकफास्ट ले आ फास्ट फास्ट। अबे फेंक उसे झाड़ू फेंक। अबे झाड़ू पकड़ कर नाश्ता बनाएगा, हाथ साफ कर और साफ नाश्ता लेकर आ। जा एकदम साफ नाश्ता, एकदम साफ अभी लेके आता है। हाँ एकदम साफ नाश्ता चाहिए। एकदम साफ नाश्ता चाहिए, एकदम साफ।
की है। ये रही चीनी। वाह लल्लू जी, तुम तो एकदम एक्सप्रेस सर्विस हो। साफ बनाया ना? वो तो हम गंगा किनारे पैदा हुआ है, बचपन से एकदम साफ और शुद्ध है। मजा आ गया। कौन सा घी इस्तेमाल कर दिया? एकदम देसी घी कौड़ता है जी। हाँ शाही साई अच्छा है। हाँ शक्कर तो तैने एकदम तोल कर डाली है। हाँ, वो तो हम पी के देखा है। वो कैसे? इसी कॉप से। क्या मुझे झूठी चाय पिलाई? रवि, क्या इस डम्मी का वजन करुणा के वजन के बराबर है? यस सर। अब वो साड़ी वाली डम्मी को वहां खड़ा करो और धक्का दे दो जैसे कि छलांग लगाई गई हो। क्या कर रहे हो रवि? इसे अपने जिस्म के करीब करो जैसे कोई लाश उठाता है। That's right. अब पूरी ताकत लगाकर उसे उछाल दो। विजय जी, इस बिल्डिंग से इस डमी तक का फासला मापो। यस। सर, पहली डमी 18 कदम और दूसरी डमी 14 कदम। ठीक है, दोनों डमी गाड़ी में रख लो। यस सर। यस सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कैसे हो महासिंह? जो काम तुम्हें करना चाहिए था वो हम कर रहे हैं। इसीलिए तो आप सीबीआई में हैं सर। सीबीआई के सीख नहीं होते मिस्टर महासिंह, रोशन जमीर का हौसला होता है। सर, सर लगता है पानी नाक से ऊंचा चढ़ रहा है। परेशान कौन नहीं है इस जमाने में। मंत्री लोग हमसे परेशान हैं और हम मंत्रियों से परेशान हैं। हाँ शर्मा जी, मेरी बीवी अभी तक मैं कैसे नहीं आई। तो मैं क्या करूं? तो मैं भी क्या कर सकता हूं फिर। या शेख, अपना अपना देख। रवि, करुणा की लाश बिल्डिंग से कितने फासले पर पड़ी हुई थी? 14 कदम पर सर, फेंकी हुई डमी के फासले के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि करुणा की लाश को फेंका गया था। सर, ऐसा भी तो हो सकता है करुणा ने छलांग लगाई हो और वो 18 कदम के फासले पर गिर गई हो। चूंकि उसमें जान बाकी थी, वो रेंगते रेंगते बिल्डिंग की तरफ 4 कदम आगे बढ़ी हो और वहीं ढेर हो गई हो। अगर करुणा ने रेंगने की कोशिश की होती तो जमीन पर खून के धब्बे आगे तक होने चाहिए थे, मगर ऐसा नहीं था। अब मुझे यकीन हो चला है कि करुणा की हत्या की गई और लाश को ऊपर से फेंका गया। तो फिर लाश शर्मा और तिवारी ने मिलकर फेंकी होगी सर। नहीं, अगर ऐसा होता तो लाश 2-4 कदम नहीं 10-12 कदम और आगे गिरी होती। ये लाश किसी अकेले ने फेंकी है। वो आदमी घर का भी हो सकता है और बाहर का भी। विजय, उषा का वो कंगन कहाँ है? सर, उषा मकान पर नहीं थी। श्याम ने कहा है वो ले आएगा। सर चले आओ। I'm sorry, sir. सर, करुणा का कंगन भी ऐसा ही था। रवि, विजय बाहर जाकर देखो तो कौन झांक रहा है। हाँ
किसी ने हमारे ढिंगों को मारने की कोशिश की है वो झाग जहर मालूम पड़ता है और ये इसमें क्लोरोफॉर्म की बू आ रही है। सर बाहर कोई नहीं था। नहीं कोई था, पता करो किसने हमसे मुखबरी करने की जरूरत की है। बुड्ढे को बहका के सीबीआई बुलाता है, शर्मा जी से आंख मिचोली खेलता है, बिच्छू का मंत्र जानता नहीं, सांप की बेल में हाथ डालता है। क्या लेने आए हो यहां? इसे देखो, ये बदबख्त तो सुहागन बनने से पहले ही विधवा हो गई। मेरे पति अपनी जिंदगी में इंसाफ और अमन के लिए लड़ते रहे तो उन्हें खून में नहलाया गया। उस वक्त मैं आधी मर गई थी। मेरा बेटा उनके आदर्शों का पालन करते करते इंसाफ के लिए बलि हो गया। आज मैं पूरी तरह मर गई हूं। उफ, मेरा बेटा कितना तड़पा होगा, कितना चिल्लाया होगा। कौन कहता है आपका बेटा मरा है? वो तो शहीद हुआ है और शहीद अमर होते हैं। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारे दिल बहलाने वाले खोखले खिताब। सुना था कानून की आंखें नहीं होती, आज देख भी लिया कानून के हाथ भी नहीं होते। आप धीरज रखिए और उम्मीद भी। राजनीति करवट ले रही है, राम राज स्थापित होने को है। अब कोई हत्यारा कानून के हाथ से नहीं बच सकेगा, ये दिलासा ही नहीं हमारा यकीन भी है। नमस्ते साहब। 9 अक्टूबर की रात कहां थी तुम? 7 बजे। 7? 7? हमारे साथ तो कोई भी नहीं था भैया। 7 बजे कहां थी तुम? हम तो घर पर ही थी। करुणा कहां थी? करुणा! डरो ना, बहुत डरो ना था सब कुछ। भयंकर बारिश, कड़कड़ाती बिजली, सब कुछ तो डरो ना। करुणा, करुणा कहां थी? करुणा बहु रानी तो कमरा में ही थी, बहुत प्यारी थी, सबसे मिलजुल कर रहती थी। करुणा के कमरे से लड़ाई झगड़े की आवाज सुनाई दी तुम्हें? लड़ाई झगड़े, मलाई पकौड़े। मलाई पकौड़े तो भैया उन्हें बहुत अच्छे लगे थे, बुलाए बुला करके हमसे कहती थी कि लक्ष्मी पकौड़े खाइए, पर आज ये बात हमसे काहे पूछ रहे हो भैया? अरे चिल्लाने से कुछ फायदा नहीं, जाने दो इसे। जाओ मेरी अम्मा जाओ, गला गिरा दिया मेरा, कुछ देर और रहोगी ना तो मुझे भी गिरा दोगी। जाओ जाओ। अच्छा तो तुम सुन भी सकती हो, सच से बताओ क्या देखा तुमने उस रात? मैं जरूर मिलूंगी पिताजी से अरुषा से, मेरे सिवा दुनिया में कौन है उनका? तुम्हारा अब उनसे कोई संबंध नहीं है, टूट चुका है। संबंध टूट सकता है
मगर खून का रिश्ता कभी नहीं टूटता। तुमसे मेरा संबंध है, उनसे तो खून का रिश्ता है। बहुत जबानदराजी करने लग गई हो। इसके जिम्मेदार तुम हो। दहेज का इतना लालच था तो शादी से पहले मांगा होता, तो कैसे मेरे पिताजी की जमीन हथियाने की क्या जरूरत थी। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुम लोगों ने मेरी बहन को कुंवारी बिठा दिया। तुम भी कुंवारी बैठी रहती अगर मैं तुमसे शादी न करता। इस नरक में आने से तो कुंवारी बैठी रहना ही अच्छा था। करुणा, मैं तुम्हें आखिरी बार ताकीद करता हूँ, इसी घर में तुम्हें जीना होगा और इसी घर में मरना होगा। तो फिर मुझे मार क्यों नहीं देती? मार दो मुझे, मार दो, मैं मरना चाहूँ। करुणा, मैं जीना नहीं, करुणा, मरना चाहूँ। करुणा, शराब की बोतलें हैं, साहिबा ने भेजा। ड्राइवर के जाने के बाद कोई भी नहीं आया साहब। हम रसोई घर में गई और खाना बनाते बनाते चक्कर सा आया और वहीं सो गई। फिर साहब हमें सवेरे तक किसने जगाया नहीं। तुम्हें ये सब झूठ कहने के लिए किसने कहा? शर्मा जी ने साहब। साहब हम आपके हाथ जोड़ती हैं, उन्हें कुछ मत बताइए साहब, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम्हारा मतलब है खून भी कर सकते हैं? कर सकते हैं साहब, कुछ भी कर सकते हैं। तुम जाओ। इसका मतलब ड्राइवर जॉर्ज ने इस्तीफा नहीं दिया, वो उस रात ड्यूटी पर था। तुम ड्राइवर जॉर्ज पर नजर रखो और तुम शर्मा का फोन टैप करते रहो। सर। हेलो विजय, वो बिल्डिंग में दाखिल हो रहा है, उस पर निगाह रखो। शर्मा का फोन मैंने टेप कर रखा है। नमस्कार साहिबा। तुम यहां क्यों आए हो? तुम्हारी तनख्वाह तो मैंने तुम्हारे घर भेज दी थी। साहिबा, वो तो एक महीने का पगार था। जॉर्ज काम करने का एक पगार लेता है और नहीं करने का दो पगार लेता है। चलो, और देखो सीबीआई वाले मेरे पीछे लगे हुए, तुम जाओ यहां से। इसीलिए तो अपुन आया है साहिबा, हाथ कुछ ज्यादा खुजा रहा है। क्या चाहिए तुम्हें? 10,000। 10,000? बहुत सर चढ़ गए हो तुम। साहिबा, तुम्हारा सर बचाने के लिए अपुन ने अपना सर लगा दिया है, तुम्हारे सर का दाम ज्यादा लगता है क्या? चलो दफा हो जाओ यहां से। मैं चाहता हूँ तुम आज ही गोवा लौट जाओ। केस खत्म होने तक मैं तुम्हारी तनख्वाह वहीं भेजता रहूंगा। साहिबा, जॉर्ज गोवा से बंबई, बंबई से दिल्ली और दिल्ली से यहाँ आया है। जो शहर छोड़ता है वहां दोबारा नहीं जाता। मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह रंग बदलोगे, क्रिकेट कहेंगे। साहिबा, तुमने कहा था बेवकूफ अपने आप पे रोने की बजाय अकलमंद को गाली देता है, सो तुम भी वही करता है। याद रखो, तुम मुझे दफ्तर या घर पर कभी नहीं मिलना, समझे? हाथ खो जाएगा तो आएगा जरूर साहिबा। विजय, वो अभी यहां से जा रही है। ठीक है, तुम फोन रख दो। तिवारी, वो आया था अभी, बहुत परेशान करने लगा है, हर किसी को देखो जोंक की तरह रुपया चूस रहा है मुझसे। अरे दोस्ती किस काम की, अगर तुम्हारे वक्त काम ना हाल तो है। अरे मगर ये जगमोहन आजाद तो झुकता ही नहीं है। सब झुकते हैं, झुकाने वाला चाहिए। जो काम हर कोई नहीं कर सकता वो मिनिस्टर ही कर सकता है। अरे तुम गले पड़ जाओ गंगा प्रसाद के, बाकी भगवान भला करेंगे। मैं कोशिश करता हूँ। नमस्ते जी। ओ, आप? मैं आप ही का इंतजार कर रहा था, बैठिए। धन्यवाद। दरअसल मैंने आपको दूर से पहचाना नहीं,
शायद आपको दूर का कम दिखाई देता है। ऐसी बात तो नहीं है, मगर आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। जगमोहन जी, सुना आप इन्हें बहुत परेशान कर रहे हैं। इन्हें यकीन दिलाइए कि आज तक जगमोहन आजाद ने किसी मासूम को मुजरिम नहीं ठहराया। मैं आप पर विश्वास करता हूँ, लेकिन इज्जत वालों के लिए इज्जत भी कोई चीज होती है। भले ही आप इन्हें बरी कर दें, लेकिन इंक्वायरी से गुजरना कोई सजा भुगतने से कम नहीं। समाज में इनकी एक साख है, इनका एक मकाम है, क्योंकि ये ऊंचाई पर बैठे हुए हैं। कौवा ऊंचाई पर बैठने से कबूतर नहीं बन जाता मिनिस्टर साहब। ये क्या है और क्या नहीं है ये तो वक्त ही दिखलाएगा। ये समस्या सिर्फ राम स्वरूप की ही नहीं, पब्लिक की भी है। हमें पब्लिक को जवाब देना है। पब्लिक तो पुलिस से हमेशा नाराज रहती है। पुलिस को कमजोर बनाने के लिए इस किस्म की समस्याएं खड़ी कर देती है, बात का बतंगड़ बना देती है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं होती। आप मुझे ही ले लीजिए, विपक्षी दल वालों ने मिलकर मेरे खिलाफ तूफान खड़ा कर रखा है कि मैं चोर हूं, लुटेरा हूं, लेकिन क्या यह सच है? हरगिज नहीं। खैर छोड़िए, बात यह है कि अगर आपने स्टेट पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट दे दी तो स्टेट का मुंह काला हो जाएगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप फौरन वापस दिल्ली चले जाएं। यह मेरा हुक्म है। आपका हुक्म महासिंह लेता होगा, जगमोहन आजाद नहीं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आया हूँ। तुम्हारी सेंट्रल गवर्नमेंट तक भी हमारी पहुंच है मिस्टर जगमोहन आजाद। मिनिस्टर साहब, गर्म पानी से घर नहीं जलाए जाते। हमारे इरादों से टकराओगे तो सर फोड़ लोगे। तुम मुझ पर चैलेंज फेंक रहे हो? चैलेंज तो हम ये भी फेंक रहे हैं कि आप मिनिस्टर की गद्दी छोड़कर सीबीआई अफसर नहीं बन सकते, और हम सीबीआई अफसर छोड़कर मिनिस्टर जरूर बन सकते हैं। ये बात और है कि हमने अभी इलेक्शन लड़ना जरूरी नहीं समझा। पिछले कई दिनों से विधानसभा में जोर शोर से ये चर्चा हो रही थी। सीबीआई रिपोर्ट की बुनियाद पर मुख्यमंत्री ने उन्हें पदवी से निकाल दिया है। सूचना मिली है कि गंगा प्रसाद ने पार्टी अध्यक्ष को अपना त्याग पत्र भी रवाना कर दिया है और वे विरोधी दल में शामिल हो गए हैं। महासिंह, शायद तुम अंजाम पढ़ना भूल गए हो, लेकिन ये याद रहे कि इंसाफ के जिन सौदागरों के भरम पर तुम फर्ज का सौदा कर रहे हो, उनकी गर्दनें भी हमारे हाथों से दूर नहीं। बात क्या है, तुम ऐसे समय आ गए हो? दुनिया सो रही है और तुम जाग रहे हो। सर, मैं जाग उठा हूं। मैं अपने गुनाह कबूल करने आया हूं। गुनाह भगवान के सामने कबूल किए जाते हैं या आप जैसे महान इंसान के सामने, जो बहादुरी, नेकनीयती और ईमानदारी की मिसाल है? ये कहीं तुम्हारा नया हथकंडा तो नहीं? सर, वाल्मीकि ने लूटना छोड़ा तो वो हथकंडा नहीं था। अशोक ने बुद्ध धर्म अपनाया तो वो हथकंडा नहीं था। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा का रास्ता चुना तो वो हथकंडा नहीं था। तुम कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो? वही जो आपने चुना है सर। ये रास्ता बहुत कठिन है महासिंह, अच्छे अच्छे इरादों को डगमगा देता है। तुम लोग नौकरी हासिल करने के लिए रिश्वत देते हो, पोस्टिंग और ट्रांसफर के लिए रिश्वत देते हो, अपने अफसरों और लीडरों को रिश्वत दिलाते हो। अगर महासिंह रिश्वत लोगे नहीं तो खिलाओगे कहां से? सर, मैं मानता हूं इस निजाम का एक ही पैगाम है, रिश्वत खाओ और रिश्वत खिलाओ। मगर आपको देखकर मुझमें यह चेतना जागी है कि जब आप इस तूफान का मुकाबला कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता।
मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। जहां से जागो वहीं से सवेरा समझो, मगर महासिंह तुम्हें अपने गुनाहों का कर्ज तो लौटाना होगा। ये और बात है कि कानून चाहे रियायत करे, कर्मों की सजा पाने का आनंद ही कुछ और होता है। सर मुझे खुशी होगी अगर मैं अपने गुनाहों का बोझ यहीं उतार फेंकूं। अंदर तो आ गया है, अब वापस जाएगा कैसे? अपुन को मारने के लिए तुमको सबूत चाहिए, तुमको मारने के लिए अपुन को कोई सबूत नहीं मांगता। तुमने हमसे बदजबानी करने की जुर्रत की, मगर हमारा फर्ज हमें रोक रहा है। हम तुम्हारे जबड़ों से तुम्हारी जबान अलग कर डालते। करुणा की मौत का कारण तो यमदूत भी नहीं जानता साहिबा। नहीं तो जिंदगी भर लूले लंगड़े बनकर घूमते रहोगे। बोलो। अपन कुछ नहीं जानता साहिबा, अपन तो नौकर आदमी है साहिबा, अपन को कुछ याद नहीं। विजय इसकी उंगलियों के नाखून खींचो, अपने आप याद आ जाएगा। नहीं नहीं, अपन बताएगा, सच सच बताएगा साहिबा। जॉर्ज साहब आप मेरे साथ चलो। का मेरे साथ चलो साहब, अपन बहुत शराब पी गया है, रात को गाड़ी नहीं चलाएगा। शर्मा जी के मकान पर जाना है, वहां करुणा को किसी ने मार दिया है। साहब अपन कोई पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। मेरे साथ चलो, मैं रास्ते में तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। चलो
शाम के किसने छोड़ा घोंपा था? महासिंह, इसे हिरासत में रखो और किसी से मिलने मत दो। यस सर। इस जुर्म की कड़ी बाकी है, उसे हमें तलाश करना होगा। ए विजय, जरा तस्वीर दिखाओ तो। यस सर। जाहिर है कि यह खून है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहीं नहीं लिखा कि घुटने पर चोट आई। ए रवि, जरा करुणा की साड़ी दिखाओ तो। यस सर। ये भी खून है? यस सर। अभिजय जी, तुम इस खून की टेस्ट रिपोर्ट निकलवाओ और रवि, तुम इन सारे लोगों का खून लेकर टेस्ट रिपोर्ट के लिए दे दो। यस सर। इट्स ओ ग्रुप। सर, साड़ी पर जो खून का धब्बा था उसका ग्रुप ओ है, और किसी का खून ओ ग्रुप से मिलता नहीं है। तो फिर इस जुर्म में कोई और भी शामिल है? हेलो महासिंह। यस सर। राज कुछ गहरा होता जा रहा है, करुणा की हत्या में कोई और भी शामिल है। हम जानना चाहते हैं कि शर्मा के घर पर और कौन कौन आता जाता रहा है। सर, इन लोगों के अलावा तो और कोई? हाँ सर, मुझे याद आया, शर्मा की सेक्रेटरी दुलारी भी उन लोगों के बहुत करीब रहती है, उसकी पूछताछ भी मैं जरूरी समझता हूँ। उसे तुम फौरन पुलिस स्टेशन पर बुलाओ, हम आ रहे हैं। यस सर। मुझे बचा लीजिए सर, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा लीजिए प्लीज, मैं बेकसूर हूँ, मुझे बचा लीजिए। हमारे पास सबूत हैं, क्योंकि तुम जानती हो, हम तुम्हारे मुंह से सुनना चाहते हैं। मैं कुछ नहीं जानती सर, शर्मा जी कभी कभी दफ्तर के काम के लिए मुझे घर बुला लेते थे, इससे ज्यादा मेरा उस घर से कोई संबंध नहीं है। रवि, तेजाब लाओ। यस सर। इसे अपने खूबसूरत चेहरे और जिस बनाज है जिससे ये मर्दों को अपनी उंगली पर नचाती है, हम इसके चेहरे को बदनुमा कर देंगे ताकि ये अपने हुस्न के खजाने का गलत इस्तेमाल न कर सके। नहीं, मैं बताती हूँ। पानी था,
और वो भी ठंडा। आज की ताजा खबर, कोरोना का कातिल पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, कोरोना का कातिल पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, कोरोना का कातिल पकड़ा गया। आज की ताजा खबर, कोरोना का कातिल पकड़ा गया। जुर्म एक बीज की तरह होता है, अगर उसे जमीन में दबाया जाए तो वो छुप नहीं सकता, बल्कि जमीन उसे पौधे की शक्ल में उगल देती है और वो पौधा बढ़ते बढ़ते दरख्त बन जाता है और कहता है कि मैं उस जुर्म के बीच का दरख्त हूं, मुझे पहचानो। आज वो वक्त आ चुका है कि मुजरिम को पहचाना जा सकता है, मगर हम चाहते हैं कि मुजरिम खुद सामने आए और अपना जुर्म कबूल कर ले। महासिंह जॉर्ज। सर ये शख्स झूठा है, इसकी बातों में बात आइए। महासिंह इतना पीटो इन लोगों को कि इनकी खामोशी इनके लिए वबाल जान बन जाए। सर ये जुर्म मैंने किया है, मैंने। क्यों? इसलिए कि राम स्वरूप मेरे पैर में कांटे की तरह चुभने लगा था। मैंने सोचा था कि अगर करुणा को खत्म कर दूं तो ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी, लेकिन मुझे क्या पता था कि करुणा की मौत करुणा की जिंदगी से ज्यादा खतरनाक बन जाएगी। मुझे माफ कर देता जी, मुझे माफ कर देता जी, आप मेरे लिए झूठ मत बोलिए। नहीं बेटे नहीं, तुम अपने बदनसीब बाप के गुनाहों पर पर्दा मत डालो, तुम्हारे सामने तो अभी लंबी जिंदगी पड़ी है। मेरे गुनाहों का कर्ज तो मत उतारो बेटे, ये खून मैंने नहीं किया सर, ये खून नहीं सर, करुणा का खून मैंने किया है अनजान में, लेकिन मुझे पता था वो मेरे सामने मर गई थी। और तिवारी तुम तो अपने दोस्त के सुख और दुख में शामिल होने की कसमें खाते हो, इस वक्त जो घटना तुम्हारे दोस्त और उसके बेटे के सर पर खड़ी है उसमें तुम कहां तक शामिल हो? हुजूर मैं तो बिल्कुल बेकसूर हूं, इस जंजाल में मुझे मत खींचिए, ये जाने और इनके पाप जाने, मैं तो शर्मा और उसके बेटे के खिलाफ सरकारी गवाह भी बनने के लिए तैयार हूं हुजूर। बहुत भोले बनते हो। सर मेरा कसूर क्या है? मैं तो 9 अक्टूबर की रात कश्मीर में था, मैं कश्मीर में नौकरी करता हूँ। कश्मीर में नहीं, तुम यहाँ इस घर में थे। ये है तुम्हारे दफ्तर का सबूत जिसमें तुमने घर जाने के लिए 10 दिन की रुख्सत मांगी थी, लेकिन तुम चौथे दिन कश्मीर लौट गए थे। मैं तो सर, अरुण ने तो इल्जाम कबूल कर लिया है, फिर मुझे क्यों मारा पीटा जाता है? विजय वो साड़ी और घड़ी लाकर दिखाना है इसे। इस साड़ी पर दाग जो है खून का वो तुम्हारा है और ये घड़ी भी तुम्हारी है। मेरी नहीं, ये तो सरासर झूठ है। महासिंह से और सबूत चाहिए, जरा दुलारी को बुलाइए। और चाहिए सबूत, कबूल करो अपना जुर्म और कह दो इनसे कि तुम दरिंदे हो। बताता हूं उस रात जब मैं कश्मीर से लौटा, अरुण अंकल, लक्ष्मी,
हरामजादे। जिंदगी के कितने रंग हैं।